फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ताजू की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सिर्फ 10 मिनट में बेहद मज़ेदार बनके तैयार होने वाला पुलाव रेसिपी बनाना बताएंगे। चलिए शुरू करें। इसके लिए हमने लिया है चावल, प्याज, मटर, बीन्स, आलू, गाजर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, मेथी, पुदीना, टमाटर, तेल, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक। चलिए शुरू करें। स्टोव ऑन करके कुकर रख लें। कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल डालकर थोड़ी देर गर्म होने दें। गरम मसाले में हमने 3 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता लेकर तेल में फ्राई कर लें ताकि तेल में इसकी खुशबू आ जाए। 4 मिर्चें लेकर बीच में से चीरा लगा लिया है। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने लाल मिर्च लिया है, आप हरी मिर्च ले सकते हैं। 2 मीडियम से इसकी प्याज मैंने धोकर स्लाइस में काट के रख लिया था। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए ये फ्राई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी मेथी, थोड़ा पुदीना डालकर इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लें ताकि इसमें कच्ची स्मेल चली जाए। इस तरह से भून लें। सूखे मसालों में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला डालकर इसे भून लें। इस तरह से भून लें। इन मीडियम साइज के टमाटर धोकर मैंने काट कर रख लिया था। थोड़ा पुदीना, 1 कप धनिया पत्ती डालकर टमाटर 2 मिनट सॉफ्ट होने तक पका लें। देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 आलू, 2 गाजर, 1 कप मटर, मटर को मैंने रात को ही भिगोकर रख लिया था, 1 कप बीन्स, मैंने सारे वेजिटेबल को धोकर काट के रख लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। स्वाद के अनुसार नमक डालें। वेजिटेबल को मसालों में अच्छे से भून लें। देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें 2 कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने दें। सीटी आने के बाद कुकर ठंडा कर लें। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है। अब ढक्कन खोल लें। देखिए वेजिटेबल गल चुके हैं। अब हम स्टोव को ऑन कर लेंगे। मैंने 1/2 किलो चावल को भिगो के रख लिया था।
इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन कप पानी डालें। मैंने वेजिटेबल में दो कप, इसमें तीन कप डाला है। टोटल पाँच कप मैंने पानी डाला है। आप जिस कप में चावल लेंगे उससे डेढ़ गुना पानी डालें। इसे अच्छे से मिला लें। अब हम ढक्कन को बंद करके दो सीटी हाई फ्लेम पे ले लेंगे। दो सीटी आने के बाद स्टोव को बंद कर लें। कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसका ढक्कन खोल लेंगे। देखिए खिले खिले चावल बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे। देखिए 10 मिनट में टेस्टी वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।